नमस्कार, मैं सुरेश सर आप लोगों के सामने फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए उत्साह के साथ मिशन यूपीपी लेकर आ रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि जैसा प्यार मुझे इससे पहले वीडियो आप लोगों ने दिया था, वैसा ही प्यार मुझे इस वीडियो में भी देंगे। आप लोग के प्यार और सहयोग से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम चाहते हैं कि मेरा लक्ष्य ही यही है कि आप कुछ भी पढ़ें लेकिन वो पढ़ें जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। करना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि क्या करना है वो महत्वपूर्ण है। आज हमारे पास यूपीपी के कुछ अच्छे प्रश्न हमारे पास हैं, आइए हम लोग उसको देखते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया से क्लास किए, अच्छे तरीके से क्लास किए, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरे एग्जाम में किसी एग्जाम बैठेंगे तो आप मैथ में जबरदस्त करने वाले, इसमें कोई शक नहीं है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप लोग फिर से लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। आइए समझते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, एक कस्बे की जनसंख्या 8000 है, पुरुषों में 8% की वृद्धि, महिलाओं की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई है, तो कुल जनसंख्या 8680 हो जाती है। तो कस्बे में महिलाओं की संख्या बताइए, टोटल नंबर आप फीमेल पूछा हुआ है और ये एग्जाम 2021 में आया हुआ है। आइए देखते हैं इसके विकल्प के बारे में, 2500, 2000, 1500, 1000। आइए लगाते हैं इस प्रश्न को, कैसे बनेगा ध्यान पूर्वक समझिए। बोर्ड पर आपको हम एक पहला तरीका बताते हैं इसको लगाने का, ध्यान से समझिएगा। पूछा है मेल तो जिसको पूछे उसी को एक्स मान लीजिए, सॉरी पूछा है फीमेल तो जिसको पूछे उसी को एक्स मान लीजिए। तो मान लेते हैं कि 5-8 हजार में अगर फीमेल एक्स होंगी भाई तो बताइए मेल कितने होंगे, तो आप कहेंगे 8000 माइनस एक्स होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, बताइए मेल कितने बढ़े, 8, फीमेल कितनी बढ़ी, 12%। अगर 12 बढ़ी तो केवल 12% ही लिखिएगा, गलती से भी 112 मत लिख दीजिएगा, नहीं तो कैलकुलेशन कठिन हो जाएगा। फीमेल कितना बढ़े, 8, तो केवल 8% लिख दीजिएगा। ये दोनों बढ़े कितना, तो आप बताइए 8000 से 8680 ना, तो कितना बढ़े, कितना बढ़े, 680, बराबर 680 लिख लीजिएगा और इसी को हल करिएगा, जो वैल्यू आएगी वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो ये लगाने का पहला तरीका है। मैं पहले बोल रहा हूं कि केवल 12 लिखिएगा, 12/100 और 8/100, ये कहां से 680 आया, तो आप खुद देख रहे हैं कि 8000 था, 680 और बढ़ गया, यानी 8680 हो गया। तो ये लगाने का पहला नियम है। अब आपको मैं दूसरा नियम बताता हूं, दूसरा नियम क्या होगा जरा ध्यान समझिएगा, दूसरे नियम के बारे में बता रहा हूं। दूसरा नियम हम लोग के पास क्या है सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये है फीमेल, ये है मेल, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलना जा रहा हूं। 8000 लोग थे ना, तो अब बताइए 8680 न हुए, कितना बढ़ गए, तो आप कहेंगे 680 लोग क्या हुए, बढ़ गए। बताइए फीमेल कितना बढ़ी, 12, तो क्या 12% को हम लोग 4% और 8% लिख सकते हैं क्या। मेल कितने बढ़े, तो मेल बढ़े हैं 8%। जरा ध्यान से समझिएगा, मैं ये मान लूं कि दोनों मिला के 8% ही बढ़े हैं, तो अगर 8% बढ़ते तो जरा बताइए कि 8000 का 8% कितना होता, तो आप कहेंगे 640, लेकिन हुआ है 680, यानी कंफर्म है कि 40 ज्यादा है। और ज्यादा का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, ये 4% ही 40 है, तो बताइए 1% कितना होगा, 10। अब 1% अगर 10 होगा तो बताइए 100% कितना होगा, 1000, यानी जो फीमेल है भाई वो कितनी होंगी, 1000। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 1000 होगा, ये इस प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद करता हूं कि इसको आप समझ चुके होंगे। ठीक, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये प्रश्न सीजीएल मेंस, ये प्रश्न सीजीएल मेंस 2020 में आया हुआ है। ठीक, एक व्यक्ति 5 घंटे में 42 किमी की दूरी तय करता है, उसने कुछ भाग पैदल चला किस चाल से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और कुछ भाग किसे चला साइकिल से, किस चाल से भाई, 10 किमी पर आवर से, तो बताना है कि वह पैदल कितना दूरी चला।
अब ध्यान से समझिएगा, हम लोग ये जानते हैं कि समय बराबर होता है भाई, दूरी बटे क्या होता है चाल। तो ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं कि ये चला है पैदल और ये यहां चला है साइकिल से। तो ध्यान से समझिएगा, कुल समय कितना लगा है, 5 घंटे। तो समय बराबर, मान लेते हैं पैदल चला x, तो साइकिल से चलेगा 42 - x। क्लियर। समय बराबर दूरी बटे चाल, इसकी चाल 6 थी, इसकी चाल कितनी थी 10, और दोनों को जोड़ने पर कितना समय आगे बता दीजिए, आ गया है 5 घंटे। अब ध्यान दीजिए, इसको अब हल मत करिएगा, विकल्प रखिएगा। 6 से पूरा कटना चाहिए क्योंकि पूर्णांक आ रहा है, तो 6 से कटने का विकल्प हमारे पास एक 18 बचता है, एक 12, इसलिए 15 और 10 को हम नहीं कंसीडर करेंगे, 18 रखेंगे। तो यहां कितना आएगा, 3, यानी यहां 2 होना चाहिए। यहां 2 तब आता जब यहां घटाने पर 20 मिलता। अगर 18 घटाएं क्या है, 20 मिलेगा, नहीं मिलेगा 20, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। आइए, जब यह भी कट गया तब चेक मत करिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा। फिर भी आप चाहते हैं चेक करना, तो 12/6 रखिए, 42 में से 12 घटेगा 30/10 होगा, एक कटेगा 2 बार में, एक कटेगा 3 बार में, 3 × 2 = 5। यही इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर, क्या होगा उत्तर इसका, उत्तर होगा इसका 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक, आइए इसका एक तरीका और बताता हूं, अगर समझ गए तो उस तरीके को बिना पेन उठाए आप हल कर सकते हैं। फिलहाल मैं उसको सिखा देता हूं तरीका क्या होता है। बस मुझे इतना बता दीजिए कि पैदल, पैदल की चाल कितनी है, तो आप बोलेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम पूछेंगे साइकिल की चाल कितनी है, तो आप बोलेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि साइकिल से चलने में और पैदल चलने में जो अंतर है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर, यानी कि 1 घंटे में कितने का अंतर है भाई, 4 किमी का अंतर है। ध्यान से समझिएगा, 1 घंटे में कितने का अंतर है, 4 किमी का। अगर मैं पूरी यात्रा चला दूं साइकिल की 5 घंटे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 घंटे में 10 किमी, अगर 5 घंटे पूरा चलता साइकिल से ही तो 50 किमी हो जाते, लेकिन है कितना, 42 किमी, यानी 8 किमी कम है। तो बताइए 8 किमी किसके लिए होगा, पैदल के लिए होगा। अगर 1 घंटे में 4 किमी तो कन्फर्म है 8 घंटे के लिए 8 किमी के लिए 2 घंटे चला होगा पैदल। अगर 1 घंटे में 6 किलोमीटर तो 2 घंटे में कितना होगा, 12 किलोमीटर, यानी साइकिल से, सॉरी, जो पैदल दूरी तय की है वो कितना किया है, 8 किलोमीटर। ये इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका था। आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिएगा, अगला प्रश्न बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, और यह भी प्रश्न कब आया था, सीपीओ के एग्जाम में 2022 में आया था। आइए समझने का प्रयास करते हैं, सिंपल सी बात, सीधे सीधे हम लोग यहां रूल 2 लगाएंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। ये है पैदल, ये क्या है, साइकिल। बस मुझे आप ये बताइए पैदल की चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 4 km/h, साइकिल कितनी है, 9 km/h। इसका मतलब हर घंटे पैदल जो है, माने 1 घंटे में 5 किलोमीटर कम चल रहा है, कितना कम चल रहा है, 5 किलोमीटर पैदल। अगर कुल दूरी चला होता साइकिल से तो 1 घंटे में 9 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 5 घंटे में 45 किमी होते कि नहीं होते, और चला कितना है, चलना कितना था 35, यानी 10 किमी कम है। तो बताइए 1 घंटे में 5 किमी तो कमी होगी, तो 10 किमी कमी हो रही, यानी कि 2 घंटे चला है पैदल। अगर 1 घंटे में 4 किलोमीटर तो 2 घंटे में क्या होगा, 8 किलोमीटर। यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ चुके होंगे, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न, अगर कोई संख्या 65, 74, 23, 47, 47x46
11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। पिछले साल CPUSI में 10+2 वाले एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न डिविजिबिलिटी पर आए हुए थे, जिसमें आप पता होगा कि 9 का, 11 का, 8 का, 7 का बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि बात 11 की हो रही है तो आइए 11 से विभाज्यता का नियम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या इस प्रकार लिखी गई है, अगर पता करना है कि संख्या 11 से कट रही है कि नहीं कट रही, लगाने का नियम क्या होगा, देखिए दो दो का पेयर बना लीजिए आराम से, 11 का भाग देंगे 11 × 22 एक बचेगा, यहाँ है 31, 11 + 33 होता है, यहाँ 31 यानी -2 का डिफरेंस है। यहाँ देख लेते हैं 12, 11, 1 + 11, 11, 1 कितना बच रहा है 12, +1, +1, +2, -2 कितना आ गया 0। ये है विभाज्यता का नियम 11 से। या आप ऐसे ही कह सकते थे कि 3-3 का पेयर बना लेते, तीनों आपस में दोनों को माइनस कर लेते, क्या मिलेगा 0, यानी संख्या किससे कट रही है 11 से कट जाएगी संख्या। तो ये कटने का नियम 11 से है, इसकी चीज को आपको ध्यान रखना होगा। ये दो कहां से आया माइनस में, क्योंकि ये लिखा है 31 और 11 + 33 होता है, यानी 31 -2 की कमी है, तो -2 रख दीजिएगा, ऐसे कट जाएगा संख्या। ठीक है, आइए उस प्रश्न को हल करते हैं जो एग्जाम के लिए है। हालांकि और भी नियम लगाने के 11 से डिविजिबिलिटी के नियम चेक करने के लिए, लेकिन आपको एक नियम मैं बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। लिखा है प्रश्न में 65, 74, 23, 47, x 46। आइए हम लोग दो दो का पेयर बना लेते हैं आराम से बिना दिक्कत के। देखिए ये दो दो का पेयर बन गया, लगा दी 0, पेयर बन गया दो दो का। 11 × 4 = 44, क्या दो बचेगा कि नहीं बचेगा, 11 + 33 एक बचेगा, 11 × 4 = 44 -2 होगा, 11 × 5 = 55 + 2 होगा, यहाँ कितना आएगा 6। देखिए ये यही खत्म हो गया, क्या बचा हम लोग के पास 6, 1, 7, 7, 2, 9। 11 से कटने के लिए हमको 11 होना चाहिए, तो 9 ही हो रहा है, यानी 2 हमको और चाहिए। तो बताइए x का क्या ऐसा मान रखे कि 2 बच जाए। तो जैसे ही हम लोग विकल्प अगर 7 रखेंगे तो 77 पूरा कट जाएगा एकदम, हमको 2 बचाना है। अगर 9 रख दे तब तो यहाँ होगा 79, और इसमें भाग देंगे 11 का तो कितना बचेगा +2, तो जोड़ लीजिए कितना होगा 6, 1, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई 9 होगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी 9 होगी। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न क्या है हम लोग के पास, आइए देखा जाए। अगला प्रश्न है, ध्यान समझिएगा, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 8100 है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए समान राशि पर माने उसी पैसे पर समान समय में बताना है, उसी समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए हर एग्जाम में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न आते हैं। ये किस एग्जाम में है देख लीजिए, CGL एग्जाम 2022 में आया हुआ प्रश्न है, आइए लगाते इसको कैसे किया जाएगा। ये बताइए कि साधारण ब्याज कितना है 8100। तो आप जानते हैं कि हर साल का साधारण ब्याज आपस में बराबर होता है। अगर दो साल का 81 है तो बता दीजिए 1 साल का कितना होगा, तो आपका आंसर होगा कितना होगा 40-50। ये हुआ पहले साल का साधारण ब्याज। क्या दूसरे साल का भी साधारण ब्याज इतना ही होगा क्या, क्योंकि साधारण ब्याज नहीं बदलता है, और हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो अगर इसी का हम लोग 10% निकाल दे भाई तो आ जाएगा 405। बस इन्हीं को जोड़ लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8100, उसी में 405 और जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 85.05। कौन विकल्प सही यहाँ पर, इसका विकल्प नंबर कौन सही है, 2 सही है, ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। ये पहला तरीका है, आइए इसका मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, सीधे देखिएगा ध्यान से। 1 साल का 10% तो 2 साल का 20%,
तो 20% ये साधारण ब्याज है और ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ये बताइए 8100 है ना, तो यहाँ 20 है, तो ये पूछा ये कितना होगा, अब यहाँ 1 लिख दीजिए। अब कहेंगे 1 कहाँ से आया, तो आपको पता होगा कि अगर 10 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100 कर दें तो आप देख रहे हैं कितना आएगा, 21% प्रतिशत में समतुल्य बट्टा वगैरह पढ़े होंगे, समझ में आ रहा होगा, यानी एक बढ़ रहा है। बस यहाँ 1 लिख दीजिएगा, बस इसी को हल कर दीजिएगा, आ जाएगा 405 रुपया ब्याज बढ़ जाएगा। तो ये बताइए 8100 में अगर 405 जोड़ दिया जाए तो बताइए कितना आ जाएगा, 8505 रुपया। यानी देखिए बहुत जबरदस्त नियम, ध्यान दीजिएगा, ये क्या आ जाएगा आपको, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। आपका आंसर कौन होगा, 2 होगा। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 नंबर पे कौन सा प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है, कब पूछा हुआ है, CHSL 2019-20 के शिफ्ट 2 में आया हुआ प्रश्न है। यदि एक व्यक्ति 37 रुपया में 2 सेब और 3 कीवी खरीदता है और वह 67 रुपया में 4 सेब और 5 कीवी खरीदता है, तो एक सेब और एक कीवी का दाम क्या होगा, मूल्य क्या होगा, ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगर हम लोग इक्वेशन बनाएं तो आप कहेंगे यदि एक सेब का दाम को x मान लें और एक कीवी के दाम को हम k मान लें, तो आप कहेंगे 2x + 3k बराबर कितना हो गया, 37, और यहाँ कितना आएगा, 4x + 5k बराबर कितना आएगा, यहाँ पर आ गया 67। तो बताना है कि कितना इसका आंसर होगा, यानी एक सेब और एक कीवी का आपसे मूल्य पूछ रहा है। तो इसको आप हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पहले ही बोल रहे हैं कि एग्जाम में करना महत्वपूर्ण नहीं है, एग्जाम में जल्दी करना महत्वपूर्ण है और सही करते हुए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लगाया जाएगा, इसका नियम देखिए ध्यान से। 2 सेब 3 कीवी का दाम कितना, 37 रुपया। 4 सेब 5 कीवी का दाम कितना, 67 रुपया। आप बताइए कितना सेब बढ़ा है, 2 सेब। कितना कीवी बढ़ा है, 2 कीवी बढ़ा है। तो क्या 2 कॉमन ले सकते थे क्या, और ये कितना बढ़ गया है बता दीजिए, 67 में से 37 30, इसी को काट दीजिए 15 बार में कटेगा, यानी एक सेब और एक कीवी का दाम कितना होगा, 15 रुपया होगा। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा, कभी भी इसको ऐसे हल मत करिएगा, ऐसा प्रश्न आएगा तुरंत आपका आंसर होगा, लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं कि 2 सेब है, 4 सेब हो गया, 2 बढ़ा, 3 कीवी है, 5 कीवी है, फिर 2 बढ़ा। अगर दोनों 2-2 बढ़ते हैं तो 30 रुपया दाम बढ़ जाता है, तो जब एक एक करेंगे तो केवल 15 रुपया दाम बढ़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 15 रुपया। ये तरीका ऐसे अप्लाई करेंगे एग्जाम में, बहुत सटीक और जल्दी हो पाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखते हैं। वर्क एंड टाइम CGL प्री 2022, ध्यान से समझिएगा। अमित और सुनील मिलकर एक काम को 9 दिन में करते हैं, सुनील दिनेश 12 दिन में करते हैं, अमित दिनेश 18 दिन में करते हैं। तो अमित सुनील दिनेश एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ऐसा प्रश्न आप लोग कई बार किए होंगे और तरीका यही रहा होगा कि अमित प्लस सुनील कितने दिन में, 9 दिन में, सुनील प्लस दिनेश 12 दिन में, दिनेश प्लस अमित 18 दिन में। LCM क्या होगा, 36, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2, अगर जोड़ दें तो 2 times A, S और D, यहाँ कितना आएगा, 9। तो तीनों मिलके कितना दिन में करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, आप 36 में 9 का भाग दे दीजिएगा, इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 9 * 4 = 36, 4 × 2 क्या होगा, 8, 8 दिन। देखिए ये क्वेश्चन आया था 2022 में, आप देख लीजिएगा CGL में आया हुआ प्रश्न है प्री में, लेकिन ये तरीका लगाने का बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आंख खुली रखिए, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अगर अमित और सुनील 9 दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में, 9 दिन में,
तो जब तीनों मिलेंगे तो कन्फर्म है कि 9 दिन से कम समय लगेगा, और केवल एक ही विकल्प है जो 9 से क्या है, कम है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 8 दिन। केवल आपको विकल्प देखकर हेल करना था, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 दिन। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए यहां लिखा है एस और टी की, देखिए प्रश्न आया 2020 में, एस और टी की आय का अनुपात 3:4 है, व्यय का अनुपात 1:1 है। यदि एस 4000 बचाता है, टी 22000 बचाता है, तो एस की आय क्या होगी। देखिए सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आइए जानते हैं कैसे लगेगा, क्या करते हैं, आइए समझाता हूं। देखिए ये एस है और क्या है टी, इनकी आय का अनुपात, देखिए इसको लगाने कम से कम 4 तरीके हैं, लेकिन मैं वो तरीका बताता हूँ जो दी बेस्ट तरीका है। आइए देखते हैं ये कितना है, 3:4 है, और इनके व्यय का अनुपात कितना है, 1:1 है, और इनकी जो बचत है, सेविंग है, वो कितना है, तो आप कहेंगे 4000 रुपया है, और कितना है यहाँ पे 22000 रुपया। ध्यान समझिएगा, पहले वीडियो आप देखे होंगे, मैंने एक तरीका समझाया था, ये तरीका बताया था, अप्लाई करिएगा, 3 एकम कितना होगा, 3, 4 एकम कितना होगा, 4, ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22000 आएगा, ये कितना आएगा, 4000 रुपया आएगा। अंतर कितना है, 1 है, अंतर कितना है, 18। 1 बराबर अगर 18000 है तो बताइए किसका पूछा है, एस, तो 1 बराबर 18000 तो 3 बराबर कितना होगा, तो एस की आय बता दीजिए 18000 अगुणे 3 कितना आएगा, 54000 रुपया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ये है लगाने का तरीका, लेकिन अगर एग्जाम में देखा जाए तो क्या, एक चीज ध्यान देखिएगा, दोनों का व्यय बराबर है, जितना खर्चा एस कर रहा है उतना ही खर्चा क्या कर रहा है, वो टी कर रहा है, आ ये बचा रहा है 4000, आ ये बचा रहा है 22000, इसका मतलब कन्फर्म है कि टी जो है एस से 18000 ज्यादा कमा रहा है, यानी टी की आय एस की आय से कितना ज्यादा है, 18000 ज्यादा चाहे कम का मतलब अंतर न होता है, तो बताइए 1 बराबर 18000 तो 3 बराबर कितना होगा, 54000, ये इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, अगर कुछ त्रुटियां रही होंगी तो उसको भी सही कर लिया जाएगा, फिलहाल आप इसको बढ़िया से अभ्यास करिएगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग लाइक और कमेंट करें ताकि हम लोग को और मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद।